दोस्तों कैसे हो आप सभी। मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना NF Explore। तो भाई आज मैं लेकर आपके लिए एक और नई वीडियो जो है मेरी एक न्यू अचीवमेंट के ऊपर। आपने पहले देखा था मैंने अपना PC अपने हिसाब से ठीक करा था, उसमें SSD कार्ड वगैरह RAM वगैरह सब कुछ बढ़ाई थी, लेकिन भाई वो मतलब जब तक हम घर के अंदर हैं वो जब तक काम कर रहा था, और बाहर जाते वक्त वो मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा था। क्योंकि जब भी मैं बाहर जा रहा था तो मेरी जो मतलब वीडियोस वगैरह मुझे एडिट करनी होती या पोस्ट करनी होती, जो भी कुछ करना होता था मैं नहीं कर पाता था। तो इसलिए मैंने एक और नई चीज़ अपने लिए परचेज़ करी है। जो मैंने परचेज़ करा है वो एप्पल आईपैड एयर है, 256 GB वाला वेरियंट है, और अब इसमें मुझे स्टोरेज की भी कमी नहीं होगी। और ये मैंने कल ही परचेज़ करा है, तो इसकी मैं करता हूँ अनबॉक्सिंग। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों ये रहा मेरा नया iPad Air, और ये इसका ऐसा बॉक्स है। कुछ आगे इस पर कोई भी स्पेसिफिकेशंस नहीं दे रखी, यहाँ साइड में ज़रूर iPad Air लिखा हो, और यहाँ पे Apple का लोगो बना हुआ है। और अब इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया तो 256 GB का वेरिएंट है, वो यहाँ पे आपको साफ साफ मेंशन हो जाएगा। और ये यहाँ पे लिखा है iPad Air 4th Generation Wi-Fi वाला, और बाकी इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ आपको इसके अंदर और क्या क्या है। सो मैंने भी अभी तक ये बिल्कुल भी नहीं चलाया, बिल्कुल स्टॉक है ना, मैंने इसकी एप्पल ID बनाई है। सो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। सो ये रहा अपना एप्पल iPad Air बिल्कुल न्यू। अभी तक मैंने इसकी पन्नी भी नहीं उतारी ऊपर से, जो इसके ऊपर लग गया, ये देखो अभी तक बिल्कुल सील है। सो इसकी पन्नी बाद में उतारेंगे और इसको स्टार्ट भी बाद में करेंगे, पहले बॉक्स के अंदर देखते हैं और क्या क्या आता है। सो बॉक्स के अंदर, और ये एक और बॉक्स है छोटा सा, इसके बॉक्स के अंदर ये कुछ इसकी किताबें वगैरह जिन्हें हम घंटा भी नहीं पढ़ते। बाकी इसके ऊपर ये दो लोगो दे रखे हैं, जिससे आप अपनी कार बाइक किसी भी दूसरे मोबाइल लैपटॉप को नकली एप्पल का लोगो लगा के एप्पल बना सकते हो। सो इसको रखते हैं साइड में। इसके अंदर एक स्टैंडर्ड सा चार्जर अडेप्टर आता है, जिसके पीछे टाइप सी का स्लॉट दे रखा है, और ये एक स्टैंडर्ड सी इसके अंदर डाटा केबल आती है। दोनों तरफ से टाइप सी है, इधर से भी और इधर से भी। तो इन सब को रखते हैं साइड में। भाई मुझे जो एक्साइटमेंट है वो अपने iPad को ऑन करने की और उसे प्रॉपर चलाने की, उसकी पन्नी उतारने की। सो इसको रखते हैं साइड में और अब देखते हैं अपने iPad को खोल के। सो दोस्तों ये रहा अपना न्यू iPad Air, पहले इसके कपड़े उतार लेते हैं। तो दोस्तों ये लोगो दिख रहा है आपको, जो रुपी मैंने इस पर स्पेंड करे ना, वो कुछ तो इसकी भी मेहरबानी है। सो बाकी देखते हैं परफॉर्म कैसा करेगा, वो तो इन फ्यूचर ही पता लगेगा। हालांकि वहाँ पे तो काफ़ी अच्छे से बताया था कि सर ये आपकी सारी नीड्स को फुलफ़िल करेगा। सो इसके कपड़े उतर गए, कुछ ऐसे इसके कपड़े आते हैं। सो ये अपना न्यू iPad Air, और ये है ब्लू कलर का, हालांकि थोड़ा सा वैसा टेक्सचर है, आपको सिल्वर कलर का लगेगा। बाकी मुझे इस कलर से कोई भी दिक्कत नहीं थी, और मार्केट में ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। वो तो बहुत दिनों से मैं इसका वेट कर रहा था, सो मुझे मिला और मैं इसको ले आया। सो अब इसके बारे में आपको बताता हूँ इसमें है क्या क्या। एक आपको फ्रंट में कैमरा मिलता है, एक रियर में कैमरा मिलता है, और इसमें कोई भी कैमरा नहीं है। और अगर आप कीबोर्ड कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके स्लॉट ये रहे, बाकी आगे से इसमें कुछ भी नहीं है। और इसमें 4 स्पीकर हैं, 2 नीचे 2 ऊपर स्टीरियो साउंड के लिए, और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, मैंने देखा भी है। सो यहाँ पर एक टाइप सी का स्लॉट दे रखा है, जिससे ये चार्ज होगा या फिर आप इसमें पेन ड्राइव वगैरह कुछ भी लगाना चाहते हो। और एक इसमें टच आईडी का बटन दे रखा है, क्योंकि इसमें फेस आईडी नहीं, इसमें टच आईडी है। सो इसको ऑन करते हैं। सो ये हो गया ऑन दोस्तों, और ये जो आपको इसके अंदर साइन दिख रहा है दुनिया ऐसी की दीवानी है, लेकिन ये वर्क भी करता है। ऐसी बात नहीं है कि एप्पल जो आपसे पैसे ले रहा है वो आपको कहीं लगे कि वेस्ट है, नहीं भाई, बिल्कुल जो इसका रिस्पॉन्स होता है ना A1 होता है। हालाँकि ये ऑन हो गया, क्योंकि इसमें ये कंपनी में एक बार ऑन हो चुका है, उसने अनबॉक्स करके जब हमें दिया था वहाँ से, जो भी मैंने आपको बताया था इसके सारे कपड़े उतारे गए थे। लेकिन इसमें अभी तक इसका जो आईडी वगैरह बनती है वो भी इसमें नहीं बनी है। सो इसका इंटरफेस मुझे काफ़ी पसंद आया, इसके अंदर बिल्कुल भी फालतू की ऐप्स वगैरह नहीं है, और जो हैं वो उनको हम बाद में देखेंगे। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इसके अंदर हम किस चीज़ को कैसे चलाएंगे या ये कैसे वर्क करेगा। और जब मैं इसको परचेज़ करने मार्केट में गया था तो एप्पल के जो वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया भी था ये सर आपके लैपटॉप के वर्क को सारे फुलफ़िल कर देगा, इसीलिए मैंने इसको परचेज़ करा है। इसके अंदर A14 बायोनिक चिप आती है, जो इसको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना देती है, और काफ़ी ज़्यादा ये फास्ट भी है। अभी देखा आपने, मैंने इसको ऑन करा था तो काफ़ी जल्दी ये ऑन हो भी गया। और एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि इसकी जो साइड की डिज़ाइन है ये बिल्कुल फ्लैट है। जो पहले के आईपैड आते थे, जो मिनी वगैरह आते हैं, उन थोड़ा राउंड शेप में होता है, उसमें यहाँ पे बटन होता है। जो इसका डिस्प्ले का साइज़ है वो 10.9 इंचेस का है, और काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा नहीं है, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का साइज़ है, जिसको हम नॉर्मली कैरी कर सकते हैं और इसको यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं कहीं भी ले जा करके। और इसकी जो साइड की डिज़ाइन वगैरह आपको दिखाई दे रही है, ये जो अभी iPhone 12 आया है
और जो iPhone 12 mini आया उसकी तरह बिल्कुल दे रखी है साइड में से, और ये भी अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, पर मेरे पास फ्लैट सरफेस नहीं है जिसमें मैं आपको इसको खड़ा करके दिखाऊं। और हालांकि ये मैंने खड़ा करने के लिए नहीं लिया है, ये मैंने लिया चलाने के लिए। चलाने के लिए तो यार काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है, जो मैंने भी मार्केट में रिसर्च करी थी उसके हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और जो मुझे इसका प्राइस पड़ा वो 68900 का पड़ा, मतलब 68900 का। अगर इसका नॉर्मली देखा जाए तो ये 69000 का आया है, और अभी इस पर ना बैक कवर लगा है ना टेम्पर्ड लगा है, सो वो हम इन फ्यूचर लगा लेंगे। लेकिन ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है इसको यूज़ करने की। सो यही है मेरा न्यू एप्पल आईपैड एयर जो अभी आपने पूरा देखा। सो दोस्तों यही था मेरा पूरा आईपैड एयर जो अभी आपने पूरा देखा, ये इसका बॉक्स, और मेरे को जो एक्साइटमेंट है इसको यूज़ करने की वो मैं आपको वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकता, और जो मुझे फील हो रहा है वो तो भाई नेक्स्ट लेवल की फीलिंग है, नहीं हो सकती वर्ड्स में शेयर वो। लेकिन मुझे काफ़ी पसंद आएगा आईपैड, क्योंकि बहुत सारे मैंने आईपैड के लिए मतलब घूमा था, कि एक प्रो भी था, इससे थोड़ा महंगा भी था वो, लेकिन जिस यूजेस के लिए मुझे चाहिए था वो मेरे इस वाले एप्पल के प्रोडक्ट से फुलफ़िल हो रहे थे। सो इसलिए मैंने इसको परचेज़ करा, और इन फ्यूचर पता लग पाएगा कि ये कितना पावरफुल है, क्योंकि अंदर A14 बायोनिक चिप कंपनी ने प्रोवाइड करी है, लेकिन वो मोबाइल के अंदर आती है, टैबलेट के अंदर वो फर्स्ट टाइम दी गई है। सो ये भी कहना मुश्किल होगा कि कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, एप्पल का प्रोडक्ट है तो काफ़ी अच्छा चलता है नो डाउट, लेकिन कितना अच्छा चलेगा वो इन फ्यूचर पता लगेगा। आँख बंद करके हम किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं कर सकते। और रही बात कैमरे की, सो कैमरे के लिए मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो आईपैड के कैमरे होते हैं वो नॉर्मली कोई बंदा सेल्फी लेने के लिए या फिर मार्केट में घूम के फोटो क्लिक करने के लिए यूज़ नहीं करता, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट क्लिक करने के लिए होता है या फिर आपकी कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही होती है उसके लिए होते हैं। तो उसके लिए इनफ है, काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हालांकि 12 मेगापिक्सल इसमें पीछे दिया गया है, तो बाकी इन फ्यूचर मैं इसके बारे में और डेप्थ रिव्यू आपको दे दूंगा कितना अच्छा चल रहा है, कैसा ही परफॉर्म कर रहा है। सो यही थी पूरी वीडियो मेरे न्यू आईपैड एयर 256GB वेरियंट के ऊपर। वीडियो कैसी लगी, टैब कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।